मौजूद नजरिन व समेन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इब्तिदाए रब्बे जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बेदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज अत्तार इस वक्त आपसे मुहातब हों। मौजूद नजरिन, आज हमारे और आपके अनुसार तबखीर मैदा के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए और बंद से बाउल के लिए इंतहाई बेहतरीन लाजवाब और आजमूदा नुस्खा है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लिखा हुआ नुस्खा आप लोगों को स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें और वो अज़ाए तरकीबी पंसार वालों से ख़ुद तलब करके नुस्खा ख़ुद अपने लिए अपने हाथों से बना सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। मौजूद नजरीन, अगर आसाबी कमज़ोरी को देखा जाए और आसाबी कमज़ोरी की बीमारी को डिटेल के साथ बयान करना मैं शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसी तरह तबखीर मैदा, जिन जिन वजूहात से पैदा हो जाता है और मैदे की तबखीर जिन ग़िज़ाओं से पैदा हो जाता है, अगर मैं डिटेल से इस तरफ जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि अपने वीडियो को भी लेंथी होने से बचा सकूं और अपने नजरीन का वक्त भी ज़्यादा ना लूं और जल्द अज़ जल्द नुस्खे की अज्जा और बनाने का तरकीब अपने नजरीन के सामने रख सकूं ताकि कोई अल्लाह का बंदा फ़ायदा उठाए और मुझे इस नस्बत से अजर व सवाब मिलता रहे। नुस्खा बताने से पहले अपना दरख्वास्त, अपना रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस किस्म के रिजल्टेबल नुस्खा जात के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के आल पर क्लिक करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर आप मेरे साथ इस कार खैर में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, आपकी शेयर की वजह से आप मेरे साथ इस सदका जारिया में शामिल हो जाएंगे। और अगर हो सके तो लाइक भी दिया करें, आपकी लाइक की वजह से मुझे हौसला मिलती है और मुझे एक खुशी सी महसूस होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं मखलूक खुदा की खिदमत की गरज से कर रहा हूँ वो काम लोग पसंद फरमाते हैं। तो माजिद नजरिन, ये एक किस्म का कुश्ता बनाया जाता है, वर्क नुकरा यानी कि चांदी वर्क पंसार वालों के पास आसानी से मिल जाता है। एक तोला वर्क नुकरा, इसको करल में डालें और आबे अदरक यानी अदरक से पानी निकालें, अदरक से रस निकालें 15 तोला। ये 15 तोला अदरक का पानी अपने पास रखें और ये एक तोला वर्क नुकरा करल में डालें और करल करना शुरू करें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा अब अदरक डालता रहें। ये 15 तोला पानी, अदरक वाला पानी इसमें खुश करना है। जब ये 15 तोला पानी इस वर्क नुकरा में करल करते करते खुश हो जाए तो आपका कुश्ता तैयार है। सुबह शाम एक एक राती मक्खन में इस्तेमाल करें। ज़ौफ़े आसाब के लिए और तबखीर मैदा के लिए इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब कुश्ता है। और बंद से बाउल के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सुबह, दोपहर, शाम 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। जब आपके मरस को या आपके मरीज़ को शिफा मिल जाए तो इस भाई का अपर हक बनता है कि फिर इसको खसूसी दुआओं में याद फरमा लिया करें। यह था आज का नुस्खा, इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।